मैं आपको अब समुंदर दिखाने वाला, इसको बोलते हैं मेरीना बीच। मेरीना बीच जो है मेरीना बीच के अंदर जो है बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। ये लोग जो है आज पोंगल की वजह से लोगों का छुट्टी है यहाँ पे, और वैसे अंदर जाना अलाउड नहीं है समुंदर की लहरों के साथ, लेकिन फिर भी जो है पानी ज़्यादा दूर तक आ सकता है। ये समुद्र की लहरें हैं, ये समुद्र के किनारे लोग, ये देखो आप लहरें इतनी स्पीड से आ रही, ये सब यहाँ पर समुद्र पानी ही पानी है चारों तरफ। यहाँ से लेकर लास्ट तक जो है ये जो है समुद्र, अभी जो है लहरें आ रही है वीडियो में, अभी इसके पीछे और तेज आ रही है। ये दूर आपको शायद दिखाई नहीं देगा, दूर शिप बीच चल रहा है इसमें। अब ये लहरें मेरे पैरों तक आ सकती है, ये देखिए मेरे पैरों तक आ गई। इतना साउंड है इन लहरों के अंदर। ये समुंदर देवता है जो पानी का क्या कमी समुंदर देवता के। ये सभी लहरें जो अब मेरे पैरों तक आई है, देखो मैं यहाँ खड़ा था और जो है अब ये उससे भी तेज आई है। लोग नहा भी रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं। ये मेरे बिल्कुल पैरों तक आई है।
समुंदर की बालू रेत से जो है फोटोग्राफ बनाते हैं। జైలలతా సమాధి కూడా ఇక్కడే ఉంది. చెన్నై మెరీనా బీచ్ మావయ్య ఇది. ये एक बनाने में जो है करीब 2.5-3 घंटा लगता है। अभी एक जो है करुणा निधि का बना रहे हैं, लेकिन उसमें करीब 2 बजे तक बन के चुकेगा। इतना तो अपने पास टाइम नहीं है, फिर मैं तो निकल जाऊंगा। बड़ा मेहनती काम है, तो इन्होंने क्या करा, कुछ जो है जो काम कर रहे हैं उसके लिए कुछ डोनेशन मांग रहे हैं। कोई 2-10 रुपये 5 रुपये जो दे जाता है, ये इनकी मेहनत का जो है मेहनताना हो जाता है। कैसे ले रखी है।